पवन जी खुद ललाई थे अपने लड़के की लड़की थी आप ही बताइए ना जब बीवी का साथ था ल, ल, बच्चे के लिए हैं हैं तो क्यों क्यों तलाक दे रहे हैं? क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं आप है? पवन जी से आपकी बात होती है तो कि ज्योति फोन करी है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का आप पूछिए खुद आपकी बात होती है ना आप पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई फोन उठा रहे हैं ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं आप ना मेरे साथ मेरा पति है ना ससुराल है ना कुछ है ना कोई घर परिवार है इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल की वो लाइफ सेट कर सके हैं आपके पवन जी के परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है शादी होने वाला है हम मेरे साथ जो हुआ है हम आगे बोले हैं क्या मेरे साथ जो जो चीजें हुई है हम आगे मीडिया में बोले हम कुछ नहीं बोले अंकल हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं ठीक है भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी वाइफ ज्योति सिंह को लेकर सोशल मीडिया पे कई दिनों से विवाद चल रहा था बहुत तरह की बातें हो रही थी हालांकि शुरुआत में ये लगा था कि ये सब वफा मात्र है क्योंकि पवन ज्योति को लेकर हमेशा विवाद होते रहते हैं और कंट्रोवर्सीज को लेकर तरह तरह की बातें चलते रहते हैं लेकिन इस बात पर अब सच्चाई सामने आ गई है दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही थी कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह को तलाक देकर तीसरी शादी करने जा रहे हैं। ये भी सामने आया था कि जनवरी में पवन सिंह तीसरी शादी करेंगे समझ में आ रहा था तरह तरह की बातें चलने के बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों कपल के तरफ से जब तक बयान सामने नहीं आ जाता सच सामने नहीं आएगा अब ज्योति सिंह के तरफ से इस बात पर सच्चाई सामने आ गई है जिससे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं और ये जानने में कामयाब हो गए हैं कि पावर स्टार पवन सिंह वाकई में तीसरी शादी करने जा रहे हैं जनवरी में उनकी तीसरी शादी होगी आइए इन तमाम पहलुओं पर आपसे बात करते हैं दरअसल पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो पावर स्टार पवन सिंह और अपने रिश्ते को लेकर काफी खुलकर बात की है सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि ज्योति सिंह का ये कॉल रिकॉर्डिंग एकदम सही है ये कोई एडिटेड ऑडियो नहीं है ये सच का है और इसके बाद आपको बता दे की ज्योति सिंह जिस शख्स से बात कर रही है वो पावर स्टार पवन सिंह के बेहद करीबी है लेकिन ज्योति सिंह जिस शख्स से बात कर रही हैं वो एक म्यूजिक डायरेक्टर है जो कि पावर स्टार पवन सिंह के काफी ज्यादा खास हैं और वो ज्योति सिंह को लेकर बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे इंटरव्यूज कई दिनों से दे रहे थे यहाँ तक कि बार बार उन पर और उनके परिवार पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे जिसे ज्योति सिंह देखते देखते थक गए और फाइनली उन्होंने सामने से कॉल किया और इस पहलू पे बात की बात करने के बाद टोटल 10 मिनट का जो कॉल रिकॉर्डिंग रहा उसे ज्योति सिंह ने खुद पब्लिस कर दिया ताकि लोगों को भी सच पता चल सके आइए बताते हैं कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति सिंह ने क्या क्या बातें कही थी आपको बता दें कि म्यूजिक डायरेक्टर के तमाम आरोपों का ज्योति सिंह ने उसमें मुंह तोड़ जवाब दिया है और पावर स्टार पवन सिंह से अपने हक की मांग भी की है और जनता से कई तरह के सवाल भी किए हैं सबसे पहले ज्योति सिंह की तरफ से आया हुआ बयान आपको हम बता देते हैं आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से इतना साफ साफ बता दिया है कि पावर स्टार पवन सिंह उनको जल्द ही तलाक देने वाले हैं और जनवरी में उनकी तीसरी शादी होने वाली है क्योंकि ज्योति सिंह जिस तरह से बात कर रही हैं उससे तो यही समझ में आ रहा है कि उनका तलाक हो रहा है और पवन सिंह का नया घर बसने जा रहा है ज्योति सिंह कहती हैं कि परिवार वालों से ही मुझे पता चला है कि वो जनवरी में तीसरी शादी करने जा रहे हैं हालांकि मुझे वो तलाक देने जा रहे हैं यहाँ तक कि ज्योति सिंह पवन सिंह को लेकर बहुत तरह की बातें भी करती हैं और उनके परिवार को लेकर भी बहुत बातें करती हैं ज्योति सिंह साफ साफ कहती हैं कि उनके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है वो कभी भी अपना घर बसा सकते हैं हालांकि सामने वाले शख्स को ज्योति सिंह अंकल कहकर बुलाती हैं ज्योति सिंह तमाम तरह की बातें भी करती हैं ज्योति सिंह यह भी कहती हैं कि अगर मुझे रिश्ता न निभाना होता तो मैं चुनाव प्रचार में शामिल क्यों हुई होती उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी धूप और गर्मी की वजह से मुझे उल्टियाँ हो रही थी बावजूद इसके मैं पीछे नहीं हटी मैं हर रोज जाके चुनाव प्रचार की और सच्चे दिल से चाहा कि वो जीत जाए एक पत्नी का जो धर्म होता है मैंने वो निभाया ये नहीं सोचा कि हमारे बीच क्या क्या हो चुका है वो मेरे साथ क्या क्या कर चुके हैं सब कुछ बुलाकर नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश की अपने रिश्ते को मौका दिया क्योंकि उन्होंने मुझे एक मौका दिया था बावजूद इसके जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो मुझे घर से हटा दिए वो अपने आप से दूर कर दिए तब से मैं अपने मायके में हूँ अब तो ना मेरा वो फ़ोन उठाते हैं ना मैसेज का रिप्लाई देते हैं हालांकि बहुत वक्त हो चुके हैं मैं बहुत सब्र कर चुकी हूँ बहुत वेट कर चुकी हूँ अब सामने आ रहा है कि वो जनवरी में शादी करने जा रहे हैं और जल्द ही मुझे तलाक देंगे यही वजह थी जो चुनाव प्रचार में साथ तो ले गए थे लेकिन फिर भी तलाक का केस जो था वो वापस नहीं लिए थे शायद उनके मन में ये पहले से ही था आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह को अपनाए हुए थे और चुनाव में दोनों कपल एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट किए थे हालांकि लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि पवन ज्योति एक हो चुके हैं लेकिन अब जो वही खुशी है वो दुख में बदल चुकी है क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह अलग होने वाले हैं और ऐसा हम नहीं ऐसा अब ज्योति सिंह ने खुद सामने से स्वीकारा है चलिए अब आपको ज्योति सिंह का वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ एक्चुअली में बोला है सबसे पहले आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल की वो लाइफ सेट कर सके हैं आपके पवन जी के परिवार की तरफ से हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है शादी होने वाला है हम तो अभी बैठे हुए हैं ना अंकल घर पे हम तो लड़ रहे हैं ना चीजों से हम तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रहे हैं हम अपनी चीजों से लड़ रहे हैं अभी भी लड़ रहे हैं अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए तो सुना आपने ज्योति सिंह खुद बोल रही हैं कि पावर स्टार पवन सिंह का जनवरी में तीसरी शादी होने वाला है और उनको पवन सिंह तलाक देने जा रहे हैं ज्योति सिंह का ट्यूनिंग जो है वो काफी गुस्से वाला है और वो गुस्से में सवाल जवाब करती हुई नजर आती हैं ज्योति सिंह ये भी बताती हैं कि उनके पास तमाम ऑप्शन है वो कभी भी अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं लेकिन मेरी लाइफ तो उन्होंने कम्प्लीटली बर्बाद कर दी है मैं यहाँ अपने घर पर बैठी हुई हूँ ना मेरे मायके वाले ना मेरे ससुराल वाले मेरे साथ है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा आखिर मेरी गलती क्या थी मुझे किस बात की सजा मिल रही है मैंने तो अपना सब कुछ किया जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने उतनी कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए लेकिन अब इससे ज्यादा मैं क्या ही करूँ मैं आज भी प्रयास कर रही हूँ कि हमारा रिश्ता बच जाए लेकिन एक तरफा रिश्ता कब तक चलता है ज्योति सिंह के इन बातों को सुनने के बाद जिन लोगों ने भी पवन सिंह पर भरोसा किया था कि वो ज्योति को अपना लिए हैं वो काफी ज्यादा दुखी हैं। बहुत लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं आखिर पावर स्टार पवन सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है वेल well, आगे बढ़ते हैं और आपको ज्योति सिंह का और ऑडियो क्लिप सुनाते तो हैं ये लड़का ना समझ है क्यों नहीं बचा ले रहा है अपना रिश्ता जब वो जानते हैं कि एक ना तलाक होने से सब कुछ ठीक हो सकता है एक ना तलाक होने से आपकी आप जो बोल रहे हैं कि उनके फॉलोइंग फैन फॉलोइंग पे uh, असर पड़ रहा है वो चीज आपकी दव, uh, वो हो सकती है डबल हो सकती है तो आप क्यों नहीं आप 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 क्यों नहीं बचा ले रहे हमारा रिश्ता आप जाके बोलिए ना पवन जीतने ना समझ रहे हैं पूरी दुनिया चला रहे हैं उनको समझ नहीं है कि अगर मैं ज्योति को रख लेता हूँ ज्योति के साथ मैं सब कुछ ठीक कर लेता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सुना आपने ज्योति सिंह सामने वाले शख्स से सवाल करते हुए नजर आ रही हैं कि मैंने तो बहुत प्रयास किया इस रिश्ते को बचाने के लिए लेकिन वो क्यों नहीं करते जबकि उन्हें पता है कि अगर वो मुझे तलाक नहीं देंगे तो उनकी लाइफ की जितनी परेशानियां हैं और उनको लेकर जितने विवाद हैं सब खत्म हो जाएंगे उनको पता है कि अगर वो मुझे तलाक नहीं देंगे तो उनकी फैन फॉलोइंग जो घट रही है वो नहीं घटेगी इसी वजह से घट रही है क्योंकि वो पारिवारिक मामले में पत्नी के मामले में औरतों के मामले में अच्छे नहीं है तो लोगों की

पवन सिंह को लेकर ये तमाम सवाल कर रहे हैं और ये भी आग्रह कर रहे हैं कि इस सवाल का जवाब पावर स्टार पवन सिंह जरूर दे देखिए ज्योति सिंह ने तो बहुत कोशिश की थी कि वो मीडिया में कुछ ना बोले ये मामला बहुत समय से चल रहा था ज्योति फिर भी खामोश थी और लोगों को केवल अपना हंसता हुआ चेहरा दिखा रही थी हालांकि जो जनता है वो उड़ते चिड़िया का पंख गिनने में माहिर है यही वजह है कि ज्योति के खामोशी ने भी सच सामने लाही दिया ज्योति सिंह के तमाम मोमेंट्स पर जनता की पक्की नजर थी जिसको देखकर जनता ये जानने में कामयाब हो गई कि पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा ज्योति अपसेट चल रही हैं दोनों के रिश्ते में फिर से दरार आ चुका है फिर से तलाक देने वाले हैं और अब जाकर सामने आया है कि पावर स्टार पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं सोचिए जरा इस उम्र में पवन सिंह तीसरी शादी करेंगे आखिर इसके पीछे की वजह क्या है वजह भी बहुत बड़ी है ऐसी वैसी वजह नहीं है पावर स्टार पवन सिंह के माँ को पोता चाहिए पवन सिंह को भी बेटा चाहिए इस वजह से पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं लेकिन ज्योति सिंह भी इसके लिए बहुत तरह के सवाल उठा रही हैं आगे इस वीडियो में खुद आप सुनिए कि ज्योति सिंह क्या कुछ कहती हुए नजर आ रही हैं के बोल रही हूँ मैं आप पवन जी के नाम के साथ साथ मैं आपका भी नाम दूंगी इतना याद रखिएगा ये चीज हम बता देते हैं कि हैं। आप आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं नहीं नहीं आपको हम पवन जी को बचाव करते हैं आपके परिवार से हमको कोई नहीं हम तो चाहते हैं कि दोनों साथ रहिए पवन जी की तारीफ करिए हमें कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं तारीफ नहीं करिए मेरे माँ बाप तक मत आइए मेरे माँ बाप तक मत आइए बस आपसे रिक्वेस्ट है आप जो बार बार मेरे माँ बाप तक आ रहे हैं वो मत करिए अंकल लड़का देखिए टूटा हुआ है ज्योति जी पवन जी टूटे हुए हैं इस चीज को खाली समझ लीजिए अंकल मेरा जीवन बर्बाद हो गया आप दरअसल पवन सिंह को लेकर ज्योति सिंह परेशान हैं और डिप्रेशन में भी है जिस तरह से ज्योति सिंह ये कहते हुए नज़र आ रही हैं कि उनके साथ साथ अंकल मैं आपका भी नाम दूंगी इससे तो यही समझ में आता है कि ज्योति सिंह पवन सिंह पर केस करने वाले हैं और साथ ही साथ जो लोग भी ज्योति सिंह को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं उन पर भी वो केस करने वाले हैं ज्योति सिंह ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये कहती हुई नजर आती हैं कि आपने मुझे मेंटली टॉर्चर किया है और बेहतर यही होगा कि आप सुधर जाएं वरना मैं आप पे भी वरना मैं आपका भी नाम ले लूँगी ज्योति सिंह ने कहा कि आप हमेशा मुझ पर मेरे परिवार पर आरोप लगाते रहते हैं आप सब जानते ही कितना है आपको पवन सिंह की तारीफ करनी है उनके पक्ष में बात करनी है तो आप बेसक कीजिए लेकिन मुझ पर और मेरे परिवार पे मत आइए खासकर मेरे माँ बाप पे मत आइए। वरना फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा आपको बता दें कि फिलहाल में ज्योति सिंह बहुत गुस्से में है वो काफी ज्यादा परेशान भी हैं और वो अभी भी अपने और पवन सिंह के रिश्ते को सुधारना चाहती हैं, बचाना चाहती हैं। बावजूद इसके पवन सिंह इस रिश्ते को तोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों आइए जानते हैं बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या मेरे पैर छाला पड़ा था मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था मेरी तबियत खराब हो गई थी मुझे उल्टी हो रही थी फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ मैं मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है एक मौका मिला है चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ यही सोच के गई थी ना अंकल वो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते है तो हम क्या करें हम जबरदस्ती जाके मैं मैंने आके बोला है क्या कभी कुछ इतना कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है अभी आपको नहीं पता होगा मैं क्या फेस कर रही हूँ क्या झेल रही हूँ लेकिन मैंने आप कभी आगे इंटरव्यू दिया है क्या मैं बोल रही हूँ क्या कि मैं क्या फेस कर रही हूँ ये सही नहीं अंकल ठीक है सुना आपने ज्योति सिंह साफ साफ अपने पक्ष में बात कर रही और अपनी दुविधा सामने वाले शख्स से बता रही हैं हैं ज्योति सिंह कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोल दी कि वो इस रिश्ते को बचाने के लिए हमेशा प्रयास करती हैं लेकिन सामने वाला इंसान उनके साथ रहना ही नहीं चाहता है उनके साथ रिश्ता बनाना ही नहीं चाहता है इसलिए वो कोई एफर्ट ही नहीं डालता बल्कि सामने वाले का जो एफर्ट है वो उसे भी इग्नोर कर देता है तो कैसे होगा ज्योति सिंह ये साफ साफ कहते हुए नजर आई कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो जो फेस कर रही हैं उन्हें जो तकलीफ है उसका भरपाई कौन करेगा वो किससे कहें वो अपनी दर्द को किसे दिखाएं वो अपने दर्द को किसे दिखाएं किसे बताएं कि वो किस दौर से गुजर रही हैं इसीलिए वो बस खामोश हैं और इस बुरे वक्त को टालने की कोशिश कर रही हैं और अपने चेहरे पे एक झूठा हंसी और खुशी का मुखौटा लगाकर घूम रही हैं यही वजह है कि ज्योति सिंह ने अब तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है और पवन सिंह के बारे में कोई बात नहीं की है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्योति का ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद लोग सच्चाई जानने से पीछे नहीं हैं लोगों को सच पता चल गया है और अब तो ज्योति सिंह को कैमरे के सामने आकर खुलकर इस मुद्दे पर बात करनी होगी और पावर स्टार पवन सिंह को भी इसका भली भांति जवाब देना होगा कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वेल well, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप ये भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप पूछिए फोन जिसे आपकी बात होती है तो कि ज्योति फोन कर है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का आप पूछिए खुद आपकी बात होती है ना आप कौन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई फोन उठा रहे हैं ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं आपको नहीं पता है अंकल तो मैं बता दूं कि लास्ट टाइम लॉकडाउन में जब वो हमारे घर आए थे उनसे मैंने बोला कि ठीक है आप ले चलिए हमें अपने साथ तो उनका ये था कि हमको आपके साथ नहीं रहना है हम आपको ले जाके क्या करेंगे आप मैं क्या झेली हूँ आप जानते हैं आप तो आके बस कैमरे के सामने बाइट दे दे रहे हैं उस चीज से मुझे क्या इफेक्ट कर रहा है वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है अंकल सुना आपने पावर स्टार पवन सिंह ने ज्योति सिंह को कोई पहली बार नहीं इग्नोर किया है ज्योति सिंह साफ साफ ये कहते हुए नजर आती हैं कि बीते लॉकडाउन में जब पवन सिंह घर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें अपने साथ ले चलिए बावजूद इसके उन्होंने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया और बोला कि जब मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहता हूं तो आपको घर ले जाकर क्या करूंगा? ज्योति सिंह ने कहा कि ये सब मेरे साथ हो चुका है जिसका मैं बयान कैमरे के सामने अब नहीं देना चाहती हूं इसलिए आप मुझे उकसाइए मत जब आपको सच्चाई पता नहीं है ये नहीं पता है कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ क्या क्या फेस की हूँ सच क्या है तो आप कैमरे के सामने आकर आसानी से जो बाइट दे रहे हैं वो मत दीजिए क्योंकि आपके बोलने से मुझ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरी फैमिली पे जो पड़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं उसे बता नहीं सकती तो प्लीज़ आप इतने पे ही रुक जाइए ज्योति सिंह का ये कहना भी बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला है बावजूद इसके वो अभी फिलहाल कैमरे पर नहीं आ रही हैं चुनाव के बाद से ही ज्योति सिंह ने मीडिया में आना बंद कर दिया है वो इंटरव्यू नहीं दे रही हैं या खुल के अपने रिश्ते पर बात नहीं कर रही हैं अब ये सब ज्योति सिंह सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए ही कर रही हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद ये रिश्ता बच जाए लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पवन सिंह रिश्ता तोड़ते हैं तीसरी शादी करते हैं तो ज्योति सिंह सामने से आकर हर एक बयान जरूर देंगी इस बात की पूरी गारंटी है लेकिन इन तमाम चीज़ों से एक चीज़ तो समझ में आ ही गया है कि जो रिश्ते का एंड होगा वो ज्योति के तरफ से नहीं पवन सिंह के तरफ से होगा क्योंकि वो ज्योति को नापसंद करते हैं वो उनके साथ रिश्ता कॉन्टिन्यू ही नहीं करना चाहते इसी वजह से वो ज्योति सिंह को बार बार इग्नोर कर रहे हैं और उनका फोन नहीं उठा रहे हैं उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं और शायद तीसरी शादी का प्लान बना रहे हैं वेल well, ज्योति सिंह का अगला कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए बस देखिए सौ बात की एक बात है आपसे मैंने बोल दिया है कि अगर आप कौन सी से बात होती है तो आप बोलिए कि वो आके मुझे ले जाए हम दोबारा हम आपके सामने फोन पे कह रहे हैं कि हम हम कसम खा के कह रहे हैं कि हम अपने मायके में पैर तक नहीं रखेंगे अगर वो आके हमको तो ले जाते हैं हम भूल जाएंगे कि मेरे माँ बाप हैं मेरा मायका है हम सब भूल जाएंगे हम कि मेरे लिए भूलना, जी है, भूलना नहीं, नहीं है।, है माता पिता को भूलना नहीं चाहिए लेकिन अपने घर को ले कर करके चल कर तब आपके, माता पिता को चलिए आपके लिए हम ये त्याग करने के लिए तैयार है आपकी आपकी सोच को वो करने के लिए मैं तैयार हूँ कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ हर चीज करने के लिए तैयार हूँ मैं भूल जाऊंगी मेरे लिए पूरे मेरे लिए सब कुछ पहुंची होंगे भगवान दुनिया माँ बाप मेरे लिए सब कुछ पहुंच जी होंगे आप बस इतने के लिए राजी कर लीजिए कि पहुंच जी मेरे घर आए मुझे इज्जत से लेके जाए जैसे, इज... जैसे हमको छोड़े अब ज्योति सिंह की ये बातें सुनने के बाद एक मिनट के लिए आपको भी पवन सिंह पर गुस्सा तो आ ही जाएगा दरअसल ज्योति सिंह ने ऐसा क्यों कहा इसके पीछे भी एक कारण है दरअसल ज्योति सिंह को लेकर इसी शख्स ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं और इंटरव्यूज में यह आरोप लगाया है कि ज्योति सिंह को पवन सिंह इसलिए नहीं रखना चाहते क्योंकि ज्योति सिंह अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं थोड़ी भी नहीं बदली ज्योति सिंह अपने परिवार को लेकर चलती हैं और उनके परिवार को पीछे रखते हैं ज्योति चाहती हैं कि पवन सिंह उनके इशारों पर नाचें ज्योति का परिवार चाहता है कि पवन सिंह उनकी माँ की ना सुन के हमारे सुने तो पवन सिंह ऐसे हैं कि वो भगवान से पहले भी अपनी माँ की पूजा करते हैं ऐसे में ये नामुमकिन है कि वो अपनी माँ की ना सुनकर किसी और की सुने यही वजह है पवन सिंह अपने माँ को नहीं छोड़ सकते और ज्योति सिंह और उनका परिवार पवन सिंह के इस रवैये को झेल नहीं सकता है वो चाहते हैं कि पवन सिंह उनकी सुने इसी वजह से पवन सिंह ज्योति सिंह को अपने साथ नहीं रखना चाहते अब इसी के जवाब ज्योति सिंह कह रही हैं कि अंकल मैं आपसे वादा करती हूँ पवन, तो मेरे 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 पवन जी ही होंगे मैं कभी अपने घर नहीं आऊंगी अपने माता पिता से बात तक नहीं करूंगी अपने इस फैमिली से मैं सदा सदा के लिए रिश्ता नाता तोड़ दूंगी और ये मैं वादा कर रही हूँ वो बस मुझे एक बार लेने आ जाए और इज्जत से जितना छोड़े हैं उतने ही इज्जत से मुझे घर ले जाए मैं वादा करती हूँ इस पर वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ हाँ वो जाएंगे अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पवन सिंह ज्योति को लेने जाते हैं या नहीं जाते हैं क्योंकि ज्योति ने तो पवन सिंह के लिए अपने परिवार अपने माँ बाप का भी त्याग करने के लिए हामी भर दी है अब पवन सिंह का इस पे क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात है वेल आगे का कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए पवन जी खुद ललाइट थे अपने लड़के तो, थी, तो क्यों तलाक दे रहे हैं आप ही बताइए ना जब बीवी का शौक था लड़, लड़, बच्चे के लिए ललाए हैं तो क्यों तलाक दे रहे हैं क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं आप फोन आपकी बात होती है तो कि ज्योति फोन करिए तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का सुना आपने ज्योति सिंह ने क्या कहा दरअसल सामने वाले जो शख्स है वो ज्योति सिंह कहते हुए नजर आते हैं की पवन सिंह की माँ पोता चाहती है पवन सिंह भी बेटा चाहते हैं वो सभी लोग पुत्र के लिए ललाहित है इस पर ज्योति सिंह कहते हुए नज़र आते हैं कि जब ललाहित हैं तो अपने बीवी को क्यों छोड़ रहे हैं जरा उनसे जाकर पूछिए मैं भी तो दे सकती हूँ ना उन्हें फिर वो मुझे क्यों छोड़ रहे हैं मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं अगर उन्हें बेटा चाहिए उनके माँ को पोता चाहिए तो मुझे छोड़ने की क्या ज़रूरत है वो तो मुझे लेकर भी हो सकता है बावजूद इसके वो मुझे छोड़ रहे हैं तो इसका जवाब उन्हीं से पूछे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वेल well, ज्योति सिंह का ये कॉल रिकॉर्डिंग दस मिनट का है और ये काफी ज्यादा यूट्यूब पे वायरल हो रहा है लोग इसे सुनकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और पवन सिंह से भी सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है ज्योति सिंह ने जो जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है क्या वो तीसरी शादी वाकई में करने जा रहे हैं या फिर ये एक सुनी सुनाई बातें हैं हालांकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने ये साफ साफ कह दिया है कि वो तीसरी शादी जनवरी में करेंगे और इस बात की जानकारी उनके परिवार से ही उन्हें मिली है वेल well, पवन सिंह तीसरी शादी किससे करने जा रहे हैं कब करने जा रहे हैं क्यों करने जा रहे हैं ये एक सवाल बना हुआ है अब देखने वाली बात ये होगी कि पवन सिंह का इसपे जवाब कब आता है आपको बता दें ज्योति सिंह अपने दुखों का समुंदर लेकर अपने आप में खामोश बैठी हैं और जब भी वो खामोशी तोड़ेंगी तो पवन सिंह के बहुत सारे ऐसे राज होंगे जो सामने आएंगे और शायद पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है उसमें भी थोड़ी कमी थोड़ी गिरावट आ ही जाए क्योंकि बहुत सारे लोग ज्योति सिंह के सपोर्ट में हैं और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर पवन सिंह ज्योति को नहीं अपनाएं तो हमारे आदर्श वो हैं उससे वो हट जाएंगे और हम उन्हें फॉलो करना बंद कर देंगे क्योंकि ऐसे स्टार को हम फॉलो करके क्या ही पाएंगे जो असल ज़िंदगी में एक हारा हुआ इंसान है वेल well, आपको इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहना है अपनी राय हमें कमेंट करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें Hôm